This is the Rising of Beast, the new Charisma XMR 210. Any guesses, guys? Who do we have here? We have Charisma. So your guess was wrong. Charisma is the icon, the legend. But we've got two legends for you. The legend on top of the legend. This is how Hero is launched the new generation of XMR. First of all, hey guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel. तो कैसे हो आप सभी लोग, कमेंट कर देना. होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे. तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं द लेजेंड, जो कि वन ऑफ द लेजेंड है अपने टाइम का, और वापस से वो लेजेंड आ चुका है. तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. द न्यू करिश्मा XMR 210, जो कि अभी तक बताया जा रहा है ऑन द पेपर कि वो टॉप ऑफ द लाइन बाइक है इस सेगमेंट में. सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, ना आपका ना मेरा, तो चलिए शुरू करते हैं इसके छोटे से छोटे स्पेसिफिकेशंस के लेके और बड़े से बड़े स्पेसिफिकेशन को, जो कि निगेटिव और पॉजिटिव मैं दोनों बताऊंगा कि इसमें थोड़ा सा और क्या चेंज रहता तो ये बाइक और बेस्ट होता. वैसे तो ये है ही अपने मतलब कि बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा पावर फिगर देना हीरो ही कर सकता है. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में. तो ये है आपके सामने फ्रंट लुक, जैसा कि दिख रहा होगा सामने में DRLs है और उसके बीच में प्रोजेक्टर है, और जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा वो DRLs H बना रहा है, जो कि हीरो का साइन है. मतलब हीरो ने सब जगह अपनी ब्रांडिंग एक तरह से की है अच्छे तरीके से. पीछे में भी हीरो का एच होगा वो टेल लाइट में, और आगे भी है. ब्रांडिंग पे तो हीरो ने बढ़िया काम किया है. तो अब बात करते हैं हम लोग इसके बॉडी फ्रेम के बारे में, जो कि ट्रेलिस फ्रेम का है, जिसके साथ बहुत ही अच्छा इंजन इस बार का दिया गया है. लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है, हमेशा इसमें ऑयल कूल्ड दिया रहता है, जिसके कारण ये लॉन्ग टर्म मतलब कि ज्यादा दूर तक नहीं चल पाती है. इंजन गर्म हो जाता है, हीटिंग इशू आते हैं, बहुत सारी चीज है. लेकिन इस बार का लिक्विड कूल्ड इंजन है जो कि 210 का है, 6-speed manual के साथ आती है, और इसका total weight है 163.5 kg, और इसका fuel capacity है 11 liters, और इसका seat height है 810 mm, जो कि 5655 बंदे आराम से बैठ सकते हैं जिनका हाइट है. और इसका टॉर्क जो है 25.15 PS की पावर इसमें मिल रही है, और टॉर्क है 20.5 Nm, जो कि इस सेगमेंट में टॉप ऑफ द लाइन अभी चल रहा है. और ये तीन कलर में आता है, एक रेड आता है और एक येलो आता है और एक मैट ब्लैक आता है. तो रेड थोड़ा सा RR310 के आपको याद दिलाएगा. इसका प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा सही प्राइस है, 1,72,900 rupees में इसको हीरो ने लॉन्च किया है, जो कि एक तरह से बहुत अच्छा प्राइस है 200 सीसी के बाइक के लिए, और जो कि अभी टॉप ऑफ द लाइन चल रहा है. तो इसी तरह फ्रंट में सस्पेंशन दिया गया है, वो कि टेलीस्कोपिक है, जो हीरो को नहीं देना चाहिए था. थोड़ा सा इधर मतलब कंजूसी कर दिया गया है हीरो के द्वारा, इनको देना चाहिए था USD Fox, लेकिन इन्होंने दिया नहीं है. तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा काम करता है, लेकिन USD Fox ज्यादा बेटर अच्छा काम करता है. तो हाँ, यही एक इसका निगेटिव है थोड़ा सा बोलेंगे, लेकिन प्राइस के हिसाब से सब सही है. प्राइस के हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं किया गया है, और इसमें इंडिकेटर्स नहीं, फ्लैशर है, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं. और तो ये है आपके सामने इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जो कि LED है. बाकी सब गाड़ियों में TFT आता है, तो इसमें कलरफुल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है. टेम्परेचर का मीटर दिया हुआ है, कितना टेम्परेचर पर गाड़ी है. राइट साइड से टॉप में फ्यूल इंडिकेटर दिया हुआ है, और बीच में RPM मीटर है, जो कि एक तरह से बहुत अच्छा दिख रहा है. दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सामने से देखते हैं जब बाइक आता है तो कैसा लगता है. और बाकी सब तो परफेक्ट है एकदम, इंजन भी परफेक्ट. फ्रंट और बैक के टायर के बारे में बात करें तो फ्रंट का जो टायर है वो 100 mm का है, जो कि बहुत बड़ा है. बहुत बड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी पिछले बार से ज़्यादा अच्छा है. पिछले बार का जो XM ZMR में आता था
वो नहीं दिया गया जिसके कारण बाइक थोड़ा पतला लगता था लेकिन अब अच्छा लगेगा। और पीछे में जो है वो 140 सेक्शन का टायर है जो कि बहुत बढ़िया बात है इस बार, मतलब हीरो ने बिल्कुल बेहतरीन काम किया है, जो कि डुअल चैनल एबीएस के साथ आता है जो कि अभी तक हीरो ने दिया ही नहीं था, पिछले बार ZMR में तो था ही नहीं, इस बार में दिया गया है। तो इस बार का जो ZMR है वो बहुत नेक्स्ट जनरेशन का बनाया गया है, फुल स्पेसिफिकेशन पे ध्यान दिया गया है और लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो लिक्विड कूल्ड इंजन है तो समझ जाओ कि बहुत अच्छा पावर जनरेट करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा। ये देख लो आपके सामने इसका साइड प्रोफाइल है, साइड से कैसा दिखता है, साइड से भी बहुत मस्त दिखता है। और ये है इसका बैक प्रोफाइल, टेल लैंप देख रहे होंगे आपको इसका, इसमें भी एच दिख रहा होगा। तो हीरो ने फुल ब्रांडिंग किया है, बाइक में भी हीरो हीरो कर दिया गया है। तो ये रहा हम लोग का छोटा सा वीडियो लेकिन फुल इंफॉर्मेशनल वीडियो था, तो होप कि आप वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दे और प्यारा कमेंट कर दे, और जो भी पूछना है क्वेश्चन है क्वेरी आप लोग कमेंट करें, हम उसका आंसर 100% करते हैं, 100% 101% जोड़ लो लेकिन 99 नहीं। तो प्लीज प्यारा सा कमेंट कर देना, क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लेना। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ एंड राइड सेफ।